हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने एनिमल किंगडम को कंप्लीट किया और आज की वीडियो के अंदर हम अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी का मीनिंग क्या है? जहाँ पर हम स्टडी करें उसकी फॉर्म्स की और विजिबल करेक्टर्स की। विजिबल करेक्टर कौन से होते हैं? जैसे रूट्स, स्टेम, लीफ, फ्लावर, सीड्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमें थ्रू आईज हम इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ हम मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं सिर्फ प्लांट्स की, वो भी कैसे प्लांट्स? जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनके अंदर फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। तो नाउ स्टार्ट द टॉपिक टुडे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो थोड़ा ध्यान से इसे कीजिएगा। तो इस टॉपिक के अंदर आज हम करेंगे, आज मेनली हमने कवर करना है रूट, स्टेम, लीफ, इनफ्लोरिसेंस। ये चार टॉपिक हम मैक्सिमम आज कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। हमने रूट, स्टेम, लीफ, इनफ्लोरिसेंस इनको स्टडी करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फ्लावर, फ्लोरल कुछ टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट, फ्रूट्स, सीड और कुछ फैमिलीज के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले, सबसे पहले प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड फीचर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑर्गन्स, दैट इज रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, सीड, फ्रूट एक्सेट्रा, इंक्लूडिंग देयर डेवलपमेंट। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी में क्या चीज़ें स्टडी करते हैं हम या किन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं? फॉर्म और फीचर्स प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन्स के, लाइक एग्जाम्पल है रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, सीड, फ्रूट एक्सेट्रा। साथ ही साथ उनकी डेवलपमेंट भी हम इसमें स्टडी करेंगे। फर्स्ट अप टर्म आती है एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि आपको पता है जो फ्लावर बियरिंग है वो एंजियोस्पर्म्स ही होते हैं। तो ग्रीक लैंग्वेज में एंजियोन का मीन होता है वेसल्स और स्पर्मा का मीन होता है सीड। तो एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग फ्रूट बियरिंग फिनरोगेमिक स्पर्मेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक प्लांट। दे अपियर्ड अबाउट 130 मिलियन ईयर एगो बट कंप्राइज अबाउट 3 लाख स्पीशीज और 50% ऑफ ऑल प्लांट्स। तो ये सारे के सारे इनमें फ्लावरिंग होती है, फ्रूट बियरिंग होते हैं, फिनरोगेमिक स्पर्मेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक प्लांट होते हैं। द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज रूटलेस एक्वाटिक वुल्फिया एंड द टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज यूकेलिप्टस। तो ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि स्मॉलेस्ट कौन सा एंजियोस्पर्म? वुल्फिया, और टॉलेस्ट कौन सा है? यूकेलिप्टस, ओवर 100 मीटर। नाउ बात करते हैं टाइप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज थियोफ्रेस्टस क्लासिफाइड द प्लांट इनटू फॉलोइंग टाइप, हर्ब, श्रब, ट्रीज, तो उसके अलावा आगे हम सब टाइप्स देखेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं शेप और साइज के बेसिस पर हम प्लांट्स को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हर्ब, श्रब और ट्रीज। हर्ब्स क्या कैटेगरी है? हैव सॉफ्ट स्टेम एंड आर स्मॉल साइज प्लांट लाइक मस्टर्ड एंड रेडिश। श्रब्स कौन होते हैं? हैव वुडी स्टेम एंड आर ऑफ द इंटरमीडिएट साइज, बुशी एंड प्रीनियल। प्रीनियल का मीनिंग होता है जिनकी जो एज है वो 1 साल से ज़्यादा हो, 2 साल, 3 साल, 4 साल, एग्जाम्पल चाइना रोज एंड क्रोटोन या रोटन। उसके अलावा ट्रीज आर प्रीनियल एंड लार्ज साइज हैविंग हार्ड वुडी ब्रांचेस। तो ये शेप और साइज के बेसिस पर। दे हैव मैनी सब टाइप्स। क्लम क्या होता है? इज अनब्रांच जॉइंटेड विद डिस्टिंक्ट नोड्स एंड हॉलो इंटरनोड्स लाइक बैम्बूसा। इसका एग्जाम्पल है बैम्बूसा। क्यूडेक्स हैज़ अनब्रांच्ड ट्रंक विद क्रोन ऑफ टर्मिनल लीफ प्रेजेंट, एरिका, कैटिचुआ, कोकस नूसीफिरा एंड पाम। ये सारे कॉडेक्स में आते हैं। एक्स करेंट में क्या आता है? इज ए मोनोपोडियल विद वन मेन स्टेम और ट्रंक फ्रॉम बेस टू अपेक्स। ब्रांचेज आर एक्रोपिटल एंड हैव कोन लाइक अपियरेंस, एग्जाम्पल कसुरेनिया और यूकेलिप्टस या एसुरीना और यूकेलिप्टस, सी साइलेंट होगा। नेक्स्ट है डेलिक्यूसेंट, हैज़ लिटल ब्रांचेज एंड लिटल सप्रेशन ऑफ टर्मिनल बर्ड लाइक मैंगो, डलबर्जिया और फाइकस बेनियान। ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन प्लांट कैन बी क्लासीफाइड इन टू फॉलोइंग टाइप, कि कितना उनका लाइफ स्पैन है उस बेसिस पर, एनुअल, बाइनियल और परनियल।
एनिमल्स कौन होते हैं इन विच द होल लाइफ साइकिल दैट इज सीड प्लांट फ्लावर फ्रूट एंड सीड इज कम्प्लीट विद इन द वन सीजन. सीड्स आर प्रोड्यूस्ड टू टाइड ओवर द अनफेवरेबल पीरियड. एग्जाम्पल मस्टर्ड ब्रैसिका कैम्पेस्टिस वीट सनफ्लावर मेज एंड पी. बाइनियल इन विच द लाइफ साइकिल इज कम्प्लीटेड इन टू सीजन्स दैट इज वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव. यहाँ पर लाइफ साइकिल दो सीजन्स में कम्प्लीट हो रही है वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव. एग्जाम्पल टर्निप ब्रैसिका ग्रापा एंड कैरेट डेकुअस. पीरिनियल विच सर्वाइव मोर देन टू ईयर एंड प्रोड्यूस फ्लावर एंड फ्रूट ड्यूरिंग द स्पेसिफिक सीजन मैंगो एंड अगेव. तो ये तीनों चीज़ों को हमने अच्छे से याद करना है कि एनुअल का मीनिंग बाइनियल का और पीरिनियल का मीनिंग. तो एनुअल में वन सीजन, बाइनियल टू सीजन और पीरिनियल मोर देन टू ईयर्स. ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्लांट में बी मोनोकार्पिक प्लांट एंड पॉलीकार्पिक. मोनोकार्पिक कंडीशन क्या है? प्रोड्यूस फ्लावर एंड फ्रूट ओनली वंस इन देयर लाइफ. एग्जाम्पल ऑल एनुअल्स एंड बाइनियल प्लांट बैम्बूज एंड एगेव. एंड पॉलीकार्पिक बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स रिपीटेडली आफ्टर द अटेनिंग मेच्योरिटी. एग्जाम्पल मैंगो एकेशिया यूकेलिप्टस एक्सेट्रा. तो मोनोकार्पिक का बैम्बू वाला एग्जाम्पल कई बार पूछा गया है कि बैम्बू में किस टाइप की फ्लावरिंग होती है, तो वो मोनोकार्पिक टाइप का प्लांट है और फ्लावरिंग होती है. मॉर्फोलॉजिकली इज एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ रूट स्टेम लीफ फ्लावर इनफ्लोरिसेंस फ्रूट सीड एक्सेट्रा. तो इन सभी को हमें सिंगल सिंगल करके डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करते हैं रूट के बारे में. नाउ तो आज हमने चार टॉपिक डिस्कस करने हैं, रूट स्टेम लीफ और इन्फ्लोरिसेंस. तो रूट इट इज जनरली नॉन ग्रीन अंडरग्राउंड पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक. ओनली मेन रूट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटेशन फोर्स के डायरेक्शन में काम कर रही होती है, ग्रेविटेशन फोर्स के, तो इसलिए ये जियोट्रॉपिक पॉजिटिव होती है. ओनली मेन रूट पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉफिक एंड ऑफन नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक डिसेंडिंग एंड सिलेंड्रिकल एक्सिस ऑफ द प्लांट बॉडी. तो ये डिसेंडिंग फॉर्म में बनी होती है एंड सिलेंड्रिकल एक्सिस ऑफ प्लांट बॉडी. द रूट विच डेवलप फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो इज कॉल्ड द प्राइमरी रूट. तो रूट की डेवलप कहाँ से होती है? रेडिकल से होती है जो एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसे हम प्राइमरी रूट भी कहते हैं. विच बेयर लेटर रूट इज कॉल्ड द सेकेंडरी रूट्स विच आर फर्दर ब्रांच्ड इनटू टर्शरी रूट्स एंड सो ऑन. एग्जाम्पल मैनी डाइकॉट प्लांट्स. द टिपिकली रूट कंसिस्ट ऑफ कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप. रूट पॉकेट्स इन हाइड्रोफाइट लाइक लैमना इकोर्निया एंड पिस्टिया. रीजन द रीजन ऑफ द मेरिस्मेटिक एक्टिविटी द रीजन ऑफ द सेल इलोंगेशन एंड रीजनरेशन ऑफ रीजन ऑफ मैच्योरेशन. तो जो टिपिकल रूट होती है उसके जो आगे वाला पॉइंट होता है उस पर रूट कैप लगी होती है, और ये जो रूट कैप रीजन है वो रीजन किसका है? मेरिस्मेटिक एक्टिविटी का. मेरिस्मेटिक सेल में सबसे ज़्यादा हाई पावर होते हैं सेल्स डिवीजन की. रूट हियर आर फाउंड इन द रीजन ऑफ मैचुरेशन विच एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. तो जो रूट हेयर कहाँ मिलते हैं हमको? रीजन ऑफ मैचुरेशन वाले पॉइंट में. तो ये एक हमारे पास रूट का डायग्राम है जिसमें अभी साइड वाली जो है वो रूट हेयर्स है. ये मेन आपकी रूट है और ये आपकी है रूट कैप. और रूट कैप का ये वाला जो हिस्सा है, इतना हिस्सा, वो क्या है? रीजन ऑफ सेल डिवीजन या मेरिस्मेटिक जोन वाला. उसके पीछे रूट हेयर से लेके जहाँ रूट हेयर ख़त्म हो रही है वहाँ से लेके रीजन ऑफ सेल डिवीजन तक का ये होता है रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन, और ये है रीजन ऑफ सेल मैचुरेशन. और इनको क्या बोलेंगे? रूट हेयर. तो इस तरीके से आपने अच्छे से याद कर लेना, कई बार ये इस डायग्राम से ही क्वेश्चन बने हुए हैं. नेक्स्ट बात करते हैं कि टाइप ऑफ रूट सिस्टम. देर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ रूट सिस्टम प्रेजेंट इन द प्लांट. फर्स्ट इज टैप रूट सिस्टम. द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेज सेकेंडरी एंड टर्शरी कंस्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम. इट्स सीन इन द डाइकॉट प्लांट फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड. मतलब जाला सा बना हो उसे कहते हैं टैप रूट सिस्टम. मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट सिस्टम. द टैप रूट आर मॉडिफाइड इनटू फ्लैशी नोड्यूलेटेड एंड नोमेटोफोर्स. तो पहले देख लेते हैं फ्लैशी टैप रूट किस तरह की रूट होती है. रूट बिकम स्वेलन एंड फ्लैशी फॉर स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल मेनली स्टार्च. द फ्लैशी मॉडिफिकेशन इन टैप रूट कैन बी फॉलोइंग टाइप: ट्यूबरस, नेपी फॉर्म, फ्यूजी फॉर्म, कॉनिकल. ट्यूबरस, दीज रूट्स डू नॉट हैव डेफिनेट शेप. रूट गेट स्वेलन टू एनी पोर्शन. मिराबिलस, ट्राइकोसेंथिस एक्सेट्रा. एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है. नेपी फॉर्म, दीज रूट्स बिकम वेरी थिक एट द बेस एंड टेपर्स टुवर्ड द एपेक्स. टर्निप, शुगर बीट एक्सेट्रा. फ्यूजी फॉर्म, दीज रूट्स बिकम्स थिकर इन मिडल एंड टेपर्स एट द बोथ द एंड. एग्जाम्पल रेडिश. कॉनिकल, दीज रूट्स आर स्वेलन एट द बेस एंड नैरो एट अपेक्स. एग्जाम्पल कैरेट. नेक्स्ट कंडीशन है
nematophores are present in the plant of coastal habitat. These roots absorb oxygen for respiration, example rhizophora or heritera. Nodulated roots in leguminous plants form nodule after the combining with nitrogen fixing bacteria. They are meant for the nitrogen fixation, example glycine max, gram p, etc. तो ये nematophore और ये nodulated roots. और हमारे पास फर्स्ट था fleshy root types. नेक्स्ट बात करते हैं, ये टैप रूट के टाइप हो गए. अब बात करते हैं adventitious root. रूट विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट द रेडिकल और इट इज ब्रांच. आपको पता है रेडिकल पार्ट से ही रूट्स इवॉल्व होती है, ठीक है. सीड्स के अंदर रेडिकल होता है, एक प्लिम्यूल होता है, प्लिम्यूल से शूट बनता है और रेडिकल से रूट बनता है. और इट्स ब्रांचेज आर कॉल्ड द एडवेंटिशियस रूट्स. सच पार्ट ऑफ द प्लांट मे बी हाइपोकोटाइल, बेस ऑफ द स्टेम, नोड ऑफ द स्टेम. तो ऐसे जिस पार्ट से ये निकलती है उसे कहते हैं हाइपोकोटाइल, और ये स्टेम का बेस हो सकता है या नोट ऑफ द स्टेम, एक्सेट्रा. दीज रूट्स आर मेनली फाउंड इन द मोनोकॉट्स, ग्रासेस, सीरियल्स और शुगर केन. मॉडिफिकेशन ऑफ द एडवेंटिशियस रूट सिस्टम. दीज रूट्स कैन बी मॉडिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन लाइक फ्लैशी फूड स्टोरेज, मैकेनिकल सपोर्ट एंड फॉर अदर वाइटल फंक्शंस. फ्लैशी एडवेंटिशियस रूट्स फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, दीज आर फॉलोइंग टाइप. ट्यूबरस रूट, फेसिकुलेटेड मोनिलीफॉर्म और बीडेड रूट्स, nodulose roots or annular roots. Tuberous roots swollen without any definite shape, example sweet potato. Fasciculated roots arise in the branches, asparagus or dahlia. Monoliform and bedded root swells are at different places, example vitis, etc. Nodulose roots apical portion swell up, cucurma, etc. or annular roots ring like structure formed, example साइकोटेरिया. नाउ नेक्स्ट फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, प्रॉप और पिलर रूट्स, स्लिट और ब्रैक रूट, क्लाइंबिंग रूट. प्रॉप और पिलर रूट्स हैंग फ्रॉम द ब्रांचेस एंड पेंटेड इनटू द सॉइल, एग्जांपल बेनियन और स्क्रू पाइन. तो जो आप बरगद का पेड़ देखा होगा वहाँ पर पीपल के ऊपर पेड़ से निकलती हैं ब्रांचेज, होने के उन रूट्स को कहते हैं पिलर रूट्स. Tilt or back roots develop from the lower node of the stem, give additional support, maize, sugarcane, etc. ये आपने देखा होगा मक्के की जो छलियों की, जो छली का प्लांट होता है उसके सबसे लास्ट में निकली होती है एडिशनल सपोर्ट के लिए रूट्स. क्लाइंबिंग रूट अराइजिंग फ्रॉम द नोड एंड हेल्प इन द क्लाइंबिंग, फोथोस, पाइपर, बीटल, एक्सेट्रा. फॉर वाइटल फंक्शन के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन के लिए, जैसे बटरेस रूट्स होती हैं, ये कहाँ से राइज होती है, अराइज फ्रॉम बेसल पार्ट ऑफ द मेन स्टेम, फाइकस. कॉन्ट्रेक्टाइल रूट अंडरगोड एंड फ्लैशी, हेल्प इन द प्लांट इन फिक्सेशन, ओनियन, कॉर्म ऑफ क्रोकस, एक्सेट्रा. सकिंग और हॉस्टेलियर रूट्स इन पैरासिटिक प्लांट, रूट एंटर इन द स्टेम ऑफ द होस्ट प्लांट टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, कस्कोटा. हाइग्रोस्कोपिक रूट्स फाउंड इन द एपिफाइट्स, हैंग फ्लैशी इन द एयर एंड एब्जॉर्ब मॉइस्चर विद द हेल्प ऑफ स्पेशल स्पंज लाइक टिश्यू कॉल्ड द वेलेमन. ये कई बार पूछा गया है कि किस टिश्यू के थ्रू रूट्स जो है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू एनवायरनमेंट, वेलेमन, एग्जांपल ऑर्किड. फ्लोटिंग रूट्स अराइज फ्रॉम द नोड्स, हेल्प इन द फ्लोटिंग, एग्जांपल जसिया. फोटोसिंथेटिक एंड एसिमिलेटरी रूट्स हैव क्लोरोफिल, एग्जांपल ट्रापा और टाइनोस्पोरा. रिप्रोडक्टिव रूट्स डेवलप वेजिटेटिव बर्ड्स, एग्जाम्पल ट्राइकोसेंथेसिस और डायोकिया. माइकोराइजल रूट्स विद फंगल हाइफी, example pinus. Thorn roots serve as a protective organ, example pothos. Clanging roots arise from the node and proceeds into the host plant, orchid, ivy, etc. Foliar roots when roots arise from leaf, example bryophyllum. Baat karte hain bahut important function of the root. Few general functions of root are given below. Anchor the plant in the ground, correct. Absorb water and mineral from the soil, right. Store extra sugar manufactured during the photosynthesis. Transport water, mineral, sugar and hormone to and from the shoot, right. Interact with soil fungi and microorganism that provide the nutrient to the plant, right. Few specialized function of the root are as follows. In rice, cortical root cell break to form large air spaces which are required for the gaseous exchange when the soil is flooded. In epiphytic orchid, grow on the other plant for support. The epidermis, known as a velamen, cover all root
but the absorptive tip of the orchid root is thick and multilayered, preventing the water loss. Root nodule found in the legumes family Fabaceae and wattle family Mimosaceae contain nitrogen fixing bacteria which convert inert nitrogen gas from the atmosphere to organic nitrogen compound that are then available to the host plant. Mycorrhiza are symbiotic association between the root of the higher plants and fungi which aid the root in absorption of the nutrient, particularly phosphorus and nitrogen from the soil. तो ये हमने डिस्कस किया रूट के बारे में कि रूट कैसे होती है, रूट के टाइप क्या होते हैं. तो हमने देखे टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम होता है, और टैप रूट के भी अगर मैं पार्ट देखे फ्लैशी टैप रूट, निमाटो फोर्स और नोड्यूलेटेड रूट. और एडवेंटिशियस रूट के अंदर भी हमने देखे उसके क्या मॉडिफिकेशन होती है. फिर फ्लैशी एडवेंटिशियस रूट्स के टाइप देखे, ट्यूबरस रूट, फेसिकुलेटेड मोलीफॉर्म, नोड्यूलोज रूट और एनुलर रूट्स. उसके बाद कुछ हमने वाइटल फंक्शंस देखे और रूट के फंक्शन देखे. नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब कंडीशन आ गई हमारी स्टेम. इट इज़ द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बेयरिंग द ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट. इट डेवलप फ्रॉम द प्लिम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो. वो एम्ब्रियो के रेडिकल से इवेलुएट होता है रूट, और प्लिम्यूल से कौन होता है, स्टेम. एम्ब्रियो ऑफ ए जर्मिनेटिक सीड एंड बियर नोड्स एंड इंटर, और इसके पास क्या होते हैं, स्टेम के पास नोड और इंटर नोड्स होते हैं. नोड इज द रीजन वेयर द ऑक्सिलरी बड लीव्स अराइज एंड जिससे लीव्स निकलती हैं, एंड इंटरनोड इज रीजन बिटवीन द टू नोड्स. स्पेशल फीचर ऑफ द स्टेम आर हैज फॉलोज. इन मैनी ज़ेरोफिटिक प्लांट लाइक ओपुंशिया, स्टेम बिकम्स ग्रीन, फ्लैटन और फ्लैशी विच कैरी आउट फोटोसिंथिस. इट इज कॉल्ड द फाइलोक्लेड और क्लेडोफाइल. इन सम प्लांट्स शॉर्ट ग्रीन सिलेंड्रिकल एस्पेरिगस एंड सम टाइम फ्लैट एंड रस्कस ब्रांचेज लिमिटेड इन ग्रोथ डेवलप फ्रॉम द नोड ऑफ द स्टेम और ब्रांचेज इन द एक्सियल ऑफ द लीफ which are reduced to small scales which perform the function of photosynthesis. It is called the cladode. तो ये कई बार पूछा गया है कि क्लेडोफाइल और क्लेडोड क्या होते हैं. तो फाइलोक्लेड क्या चीज़ है, स्टेम बिकम ग्रीन, फ्लैटन और फ्लैशी विच कैरी आउट फोटोसिंथिस. तो ऐसे स्टेम जो फोटोसिंथिसिस करते हैं वो फाइलोक्लेड या क्लेडोफाइल होते हैं, और ऐसे स्टेम जिनमें क्या हो, लिमिटेड ग्रोथ डेवलप फ्रॉम द नोड ऑफ द स्टेम और ब्रांच इन द एक्सिल और लीफ विच आर रिड्यूस्ड टू स्मॉल स्केल्स दे परफॉर्म फंक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस. तो इट इज कॉल्ड क्लेडोड. इन सम स्टेम्स आर थिन, वीक एंड लाई प्रोस्टेट ऑन सॉइल. टेंडल इज अ थ्रेड लाइक ग्रीन, लीफलेस, स्पायरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, सेंसिटिव टू टच. दीज हेल्प इन द क्लाइंबिंग ऑफ द वीक स्टेम. स्टेम की मॉडिफिकेशन है कुछ इन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन. दी स्टेम्स आर कैटेगराइज हैज अंडरग्राउंड स्टबनियन स्टेम, बल्ब. इसकी टाइप्स हैं, फोर टाइप के हैं ये अंडरग्राउंड वाले, बल्ब, राइजोम, कॉर्म और ट्यूबर. तो दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन आकर जनरली फॉर द फूड स्टोरेज एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. दे आर ऑफ फोर टाइप. बल्ब, इट इज रिड्यूस्ड डिस्क शेप स्टेम विच बियर एडवेंटिशियस रूट ऑन द लोअर साइड एंड स्केली लीफ ऑन द अपर साइड, एग्जाम्पल ओनियन, गार्लिक एक्सेट्रा. राइजोम में इट फॉर्म अ हॉरिजॉन्टली रनिंग स्टेम एंड बियर नोड, इंटरनोड, बड एंड स्केली लीफ विच आर यूज फॉर द वेजिटेटिव प्रोपिगेशन. जिंजर, अदरक में देखा आपने, ट्यूमरिक एक्सेट्रा. तो ये बल्ब टाइप अंडरग्राउंड स्टेम है, ये राइजोम टाइप है. और कॉर्म क्या होता है, इट इज़ ए कंडेंस्ड स्ट्रक्चर विच ग्रो वर्टिकली इन टू द सॉइल एंड बियर द स्केल लीफ, कोलोकेशिया एक्सेट्रा. और ट्यूबर, इट स्वेलप द रेंडमली एंड बियर आइज, एग्जाम्पल पोटैटो. एरियल एपिटेरियन स्टेम, दीज आर फॉलोइंग टाइप. स्टेम टेंडल, इन प्लांट विद वीक स्टेम द एपिकल बर्ड इज मॉडिफाइड इन टू टेंडल फॉर क्लाइंबिंग. एग्जाम्पल है पैसीफोरा, कुकम्बर एक्सेट्रा. फाइलोक्लेड, इन दिस द स्टेम इज मॉडिफाइड इन टू फ्लैट, फ्लैशी एंड ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर. एग्जाम्पल ओपुंशिया, कोकलोबा, रस्कस एक्सेट्रा. स्टेम थॉर्न, एक्सिल ऑफ द लीफ और एपेक्स ऑफ द ब्रांच इज मॉडिफाइड इन टू पॉइंटेड स्ट्रक्चर कॉल्ड द थॉर्न, कांटे में, दैट इज सीट्रस और बोगनवेलिया. तो ये एरियल और एपिटेरियल स्टेम होते हैं जो बाहर की तरफ होते हैं. क्लेडोड, इट इज अ टाइप ऑफ द फाइलोक्लेड कंसिस्टिंग ऑफ वन इंटरनोड ओनली. द स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर एपेरिगस में. और ब्यूबल, लास्ट टाइप, अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर फंक्शन हैज ए ऑर्गन ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. एग्जाम्पल ऑक्सेलिस और डायोस्कोरिया एक्सेट्रा. सब एरियल और प्रोस्टेट स्टेम, दीज स्टेम्स आर रिकोगनाइज इंटू
फोर टाइप ऑफसेट स्टोलन रनर और सकर जो ऑफसेट टाइप के स्टेम होते हैं दिस इज द शॉर्ट हॉरिजॉन्टल ब्रांच विद ए बंच ऑफ लीफ ऑन द अपर पोर्शन एंड बंच ऑफ द रूट ऑन द लोअर पोर्शन एग्जाम्पल पिस्टिया एकॉर्निया एक्सेट्रा स्टोलन दीज स्टेम मॉडिफिकेशन इनिशियली ग्रो अपवर्ड एंड देन आर्क डाउन टू डेवलप न्यू डॉटर प्लांट वेन कम इन कॉन्टैक्ट विद द सॉयल कोलोकेशिया स्ट्रॉबेरी एक्सेट्रा रनर इट इज़ अ वीक स्टेम और ब्रांच दैट ग्रो हॉरिजॉन्टली अबव द सॉयल सर्फेस एंड डेवलप एडवेंटिशियस रूट एट ईच नोड साइनोडोन ऑक्सैलिस हाइड्रोस्कोटाइल एक्सेट्रा सकर इट ग्रो हॉरिजॉन्टली अंडर द सॉयल इनिशियली एंड लेटर ग्रो ओब्लीकली अपवर्ड एग्जाम्पल रोज मिंट क्राइसेंथेमम एक्सेट्रा स्टेम मॉडिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन एंड स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन द स्टेम कैन बी रिकॉग्नाइज हैज अंडरग्राउंड और सबस्टेरियन स्टेम तो ये जो टॉपिक है दोबारा रिपीट हो गया तो नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन ऑफ स्टेम फंक्शन ऑफ स्टेम आर गिवन बिलो क्या क्या फंक्शन होते हैं द स्टेम सपोर्ट द लीफ ब्रांच फ्लावर फ्रूट्स एंड कंडक्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू स्लीव एंड सिंथेसाइज फूड फ्रॉम द लीफ टू द अदर प्लांट पार्ट्स इट ऑल्सो बेयर द फ्लावर एंड फ्रूट्स इट परफॉर्म वेरियस सेकेंडरी फंक्शन लाइक स्टोरेज वेजिटेटिव प्रोपिगेशन एंड सपोर्ट तो कई बार ये फंक्शन पूछे जाते हैं तो स्टेम स्टोरेज का काम भी कर सकता है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में भी और सपोर्ट में भी यानी सपोर्ट रिप्रोडक्शन और स्टोरेज का फूड रिजर्व का भी काम कर रहा है अब नेक्स्ट थर्ड हम पॉइंट देखते हैं लीफ इट इज़ अ लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम इट इज डेवलप एट द नोड एंड बियर ए बर्ड इन इट्स एक्सियल विच लेटर डेवलप इनटू ब्रांच टिपिकली लीफ कंसिस्ट ऑफ ए थ्री मेन पार्ट दैट इज लीफ बेस बाय विच लीफ इज अटैच टू द स्टेम पेटियोल स्टॉक ऑफ द लीफ दैट कनेक्ट द लेमिना विद द स्टेम और ब्रांच तो उसने कहा कि इट इज़ अ लेटरल जनरली फ्लैटेंड होती है स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम इट डेवलप एट द नोट ये नोट से डेवलप होती है एंड बियर ए बर्ड इन इट्स एक्सियल और उसके ऊपर पॉइंटेड एरिया पे क्या होते हैं बर्ड होता है विच लेटर डेवलप इनटू ए ब्रांच तो टिपिकली लीफ कंसिस्ट ऑफ ए थ्री मेन पार्ट किसी भी लीफ के अंदर तीन मेन हिस्से मिलेंगे आपको पहला लीफ बेस ये हमारा लीफ का बेस है बाय विच लीफ इज अटैच टू द स्टेम इस बेस की वजह से ही ये लीफ पूरी लीफ जो है वो स्टेम के साथ अटैच होती है उसके बाद पेटियोल स्टॉक ऑफ द लीफ दैट कनेक्ट द लेमिना विद द स्टेम और इट्स ब्रांच एंड द लेमिना और लीफ ब्लेड ये जो मार्जिन है इसको कहते हैं लीफ ब्लेड या लेमिना ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद वेन एंड वेनेट्स ये पूरा जो ऊपर का ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है लीफ ब्लेड या लेमिना Besides these leaves, in some plants, leaf little appendages on the other side of the leaf base known as a stipule. इसके अलावा base पर आपको दो extra ये मिल रहे हैं stipule ये भी मिल जाते हैं तो इस तरीके से ये the leaf का margin हो गया और ये leaf blade या जिसको आप lamina बोल रहे हो In some leguminous plant, the leaf base may become swollen which is called pulvinus. किसी किसी जगह पर आपको वो soil part भी मिलेगा जिसे आप क्या नाम दोगे pulvinus. नेक्स्ट बात करते हैं विनेशन की कि इसमें कैसे कैसे विनेशंस होती हैं वेन्स कैसे कैसे जाती हैं क्या उसका पैटर्न होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेन एंड वेनलेट्स इन द लेमिना ऑफ लीफ इज कॉल्ड द विनेशन इट इज़ द फॉलोइंग टाइप पहला है रेटिकुलेट विनेशन रेटिकुलेट के बाद आएगा पैरेलल विनेशन तो रेटिकुलेट दो टाइप के हैं ये विनेशन रेटिकुलेट और पैरेलल तो रेटिकुलेट दो टाइप का हो गया आगे फर्दर डिवाइडेड है द वेनलेट आर इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट टू फॉर्म ए नेटवर्क जाल की तरह बने जैसे एग्जांपल डाइकोट प्लांट इट इज़ ऑफ टू सब टाइप यूनिकॉस्टेट आरवी और मल्टीकॉस्टेट आरवी यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट विनेशन लीफ हैज़ ओनली वन प्रिंसिपल और मेन वेन विच एक्सटेंड फ्रॉम इट्स बेस टू अपेक्स एंड गिव लेटरल ब्रांचेस टू मेक ए नेटवर्क लाइक मैंगो एंड पीपल एक्सेट्रा मतलब पत्ते में लीफ के अंदर बीच में एक मेन वेन जाती है और उससे ब्रांचेस निकलती हैं और वो आगे जाके नेटवर्क बनाती हैं मल्टीकॉस्टेट रेटिकुलेट विनेशन सेवरल वेन्स ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल थिकनेस एक्सटेंड फ्रॉम द बेस टू एपेक्स एंड लेटरल वेन्स राइज फ्रॉम मेन वेन टू फॉर्म ए नेटवर्क इट इज ऑल्सो टू सब टाइप जो मल्टीकॉस्टेट को दो पार्ट्स में सब डिपार्टमेंट कर सकते हो सब डिवाइड कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट रेटिकुलेट विनेशन मेन वेन्स कवरेज टू वर्ड एपेक्स एग्जाम्पल है स्माइलेक्स और
ZZ pus और डाइवर्जेंटेटिक मेन वेन्स डाइवर्ज टुवर्ड द मार्जिन, यहाँ तो ऊपर एपेक्स तक जाती है, ये मार्जिन में ख़त्म हो जाती है, तो ग्रेप और लूफा के अंदर। पैरेलल वेनेशन में द वेन आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर, एग्जांपल मोनोकॉट प्लांट, तो पैरेलल वेनेशन आपको मोनोकॉट में मिलेगा और जो रेटिकुलेट वेनेशन है वो डाइकॉट में, ये याद रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट है ये। इट इज़ ऑफ टू सब टाइप्स, यूनिकॉस्टेट पैरेलल वेनेशन और मल्टीकॉस्टेट, और इसके दो पार्ट थे, यूनिकॉस्टेट और इसका भी मल्टीकॉस्टेट। लीफ हैज़ ओनली वन मेन वेन एंड इट गिव राइज़ टू सेवन लिटिल वेन्स विच रन पैरेलल टू मार्जिन, लाइक बनाना, और लीफ लैमिना बेसिस सेवरल वेन्स फ्रॉम रन पैरेलल टू इच अदर, ग्रासेस एंड पाम। इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम टू सब टाइप्स, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, मेन वेन्स कवर टुवर्ड एपेक्स तक जाती है मेज में, और डाइवर्जेंट पैरेलल वेनेशन मेन वेन्स डाइवर्ज टुवर्ड द मार्जिन्स, फैन पाम लेविस्टोना। अब बात करते हैं टाइप ऑफ लीफ की। ऑन द बेसिस ऑफ द इंसीजन ऑफ लेमिना, लेमिना की इंसीजन की बेसिस पर द लीफ आर टू टाइप, सिंपल और कंपाउंड। इन दिस देर इज़ ए सिंगल लेमिना, लेमिना सिर्फ हमारे पास एक ही है, तो देर इज़ ए सिंगल लेमिना विच इज़ यूजली एंटायर, मैंगो, गावा, कुकरबिटा एक्सेट्रा। कंपाउंड में इन दिस टाइप ऑफ लीफ द इंसीजन ऑफ द लेमिना रीच अप टू द मिडरिप और पेटियोल, एग्जाम्पल रोज, नीम, लेमन एक्सेट्रा, दीज आर ऑफ टू टाइप, पिनेटली कंपाउंड लीफ इन द नीम और पामेटली कंपाउंड लीफ इन द स्ट्रॉबेरी। ये बहुत साथ में एग्जाम्पल भी दिए हुए, नीम के अंदर आपको मिल रहा है पिनेटली कंपाउंड लीफ और यहाँ पे पामेटली। तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर क्या है कि इन सीजन ऑफ द लेमिना रीच अप टू द मिडरिप और पेटियोल तक जाते हैं, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड फंक्शन लीफ आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप, कॉटिलेडनरी लीफ, प्रोफाइलस, ब्रैक्ट लीफ, फ्लोरल लीफ, स्केली लीफ और फॉलीज लीफ। तो ये बात कर रहे हैं उसके फंक्शन और ओरिजिन के बेसिस पर। प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द कॉटिलेडन विद सीड, रेसिनस और जर्नियम एक्सेट्रा। प्रोफाइलस, दीज आर थिन फ्लैटन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, अगेव, अमेरिकन एक्सेट्रा। ब्रैकेट लीफ, द लीफ बिकम्स कलर्ड फ्लावर, यूफोरबी और बोगनवेलिया, ये उसकी या धर्मशाला में काफ़ी मिलती है, यूफोरबिया पल्चीरिमा, तो उनकी लीव्स जो होती है वो कलरफुल होती है, बाद में ग्रीन हो जाती है। फ्लोरल लीव्स, दीज लीव्स एक्ट एज ए पार्ट ऑफ फ्लावर, हैज ए पेटल एंड सेपल, सभी एंजियोस्पर्म्स में मिलते हैं। स्केली लीव, दीज मोस्टली कलरलेस और डल लीव, जिंजर। फॉलीज लीव्स, दीज आर ग्रीन फोटोसिंथेटिक लीव, ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स। नाउ फॉलोटैक्सी, फॉलोटैक्सी होती है अरेंजमेंट, इट इज़ द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम और ब्रांच, दिस इज यूजली ऑफ थ्री टाइप, इन अल्टरनेट, इन अपोजिट और इन वर्ल्ड। इन अल्टरनेट टाइप ऑफ द फॉलोटैक्सी, सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर, मैग्निफेरा इंडिका मैंगो के अंदर, हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस चाइनी रोज के अंदर, ब्रेस्का कैम्पेस्ट्रिस मस्टर्ड के अंदर, और निकोटियाना टोबैको टोबैको के अंदर। अपोजिट में टाइप ऑफ द फॉलोटैक्सी, ईच नोड गिव राइज टू टू लीफ लाइंग अपोजिट टू इच अदर, कैलोट्रोपिस गावा। अपोजिट फाइलोटैक्सी में भी अपोजिट सुपरइम्पोज्ड और अपोजिट डेसिस डिस्कसेट। अपोजिट सुपरइम्पोज कैसी होती है, ईच पोजिशन ऑफ द टू लीफ ऑफ ईच नोड रिजेंबल विद द लीफ ऑफ अपर नोड, एग्जाम्पल यूगिनिया क्विस्क्विलिस जोरा एक्सेट्रा। अपोजिट दैट लीफ ऑफ द नोड आर एट राइट एंगल टू द लीफ ऑफ द नेक्स्ट नोड, मतलब नीचे वाले नोड के ऊपर जो पैटर्न है वो ऊपर के अल्टरनेट होता है, सेम नहीं होगा, एग्जाम्पल क्लाइटोरस प्रोक्सेरा और ओसिमम। इट शुड बी नोटेड दैट गावा, सीडियम गुजेवा, गुआजावा, बोथ टाइप ऑफ द अरेंजमेंट आर फाउंड। इन वर्ल्ड फाइलोटैक्सी मोर देन टू लीव्स अराइज एट ए नोड एंड फॉर्म ए वर्ल, एक घेरा सा बनाते हैं, एलास्टोनिया, नीरियम और वेंगुइरिया एक्सेट्रा। अब बात करते हैं लीफ मॉडिफिकेशंस की। लीफ आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन द फोटोसिंथेसिस। सम मॉडिफिकेशंस ऑफ द लीफ, टेंड्रिल, ये एक मॉडिफिकेशन है, लीफ की मॉडिफिकेशन हुई है टेंड्रिल फॉर्म में, और क्या काम है, ये ग्रीन कलर की होती है, थ्रेड लाइक, थिग्मोट्रॉफिक, डू नॉट हैव स्केल लीफ, अनब्रांच्ड, क्लाइंबिंग सपोर्ट करती है टू द वीक स्टेम। तो इसकी आगे आगे मॉडिफिकेशन टेंड्रिल की, वर लीफ टेंड्रिल, लीफलेट टेंड्रिल, स्टिपुलर टेंड्रिल, पेटियोलर और लीफ एपेक्स टेंड्रिल। तो ये टाइप है टेंड्रिल के, ये लीफ की मॉडिफिकेशन हुई है
जो वर लीफ टेंड्रिल होती है, टेंड्रिल फ्रॉम द होल लीफ हुज फंक्शन इज टेकन ओवर बाय द फॉलिएशियस स्टिप्यूल्स। एग्जाम्पल है वाइल्ड पी लेंथरस अफाका। लीफलेट टेंड्रिल ओनली अपर लीफलेट्स मॉडिफाइड टू फॉर्म टेंड्रिल पाइसम सेटिवम एंड बिगोनिया वेंसोटा। स्टिपुलर टेंड्रिल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टिप्यूल्स स्माइलेक्स। पेटियोलर पेटियोल मॉडिफाइड इन टू फॉर्म टेंड्रिल क्लाइमेटिस एंड नेपेंथिस। लीफ अपेक्स टेंड्रिल थिग्मोट्रॉफिक। लीफ अपेक्स इज ड्रॉन आउट टू फॉर्म ए टेंड्रिल ग्लोरियोसा। स्पाइन होल लीफ और पार्ट ऑफ द लीफ मॉडिफाइड इन टू स्पाइन प्रोटेक्टिव प्रिवेंट एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन। ओपेंशिया होल लीफ युवाका लीफ एपिक्स आर्गिमोन मार्जिन एंड एकेशिया स्टिप्यूल। सकुलेंट ये स्पाइन में कन्वर्ट हुई लीफ ये सकुलेंट फॉर्म में। लीफ फॉर्म फ्लैशी एंड थिकन टू रिटेन द वाटर इन हॉट एंड एरिड क्लाइमेट। एलॉय एंड ब्रायोफाइलम। नेक्स्ट है इंसेक्ट कैचिंग लीफ जो होती है मॉडिफिकेशन में। कैच इंसेक्ट एंड एब्जॉर्ब देयर नाइट्रोजन टू फुलफिल प्लांट नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट एंड स्टोर फंक्शन। तो ऐसी जो लीव्स रहती है वो किस किस में मिलेगी, पिचर फॉर्म में और ब्लेडर। लेमिना फॉर्म द पिचर। लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू पिचर्स टू कैच एंड डाइजेस्ट द इंसेक्ट। एग्जांपल है निफेंथिस एंड सार्सिना। ब्लेडर लीव सेगमेंट फॉर्म ब्लेडर विच एक्ट एज ए ट्रैप ऑफ फॉर इंसेक्ट यूटिकुलेरिया। अदर मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ फाइलोइड हुक्स रिप्रोडक्टिव लीव रूट्स हेट्रोफिली और लीव स्केल्स के अंदर मॉडिफिकेशन होती है लीव की। फाइलोइड में फ्लैट पेटियोल ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक होता है ये काम में। एकेशिया एंड पार्किसोनियस का एग्जांपल है। हुक्स की बात करें तो टर्मिनल लीफलेट क्लॉ लाइक होती हैं। बिगोनियन एंड एस्परेगस इसका एग्जांपल है। रिप्रोडक्टिव फॉर्म में एडवर्टिशियस बर्ड की तरह काम करते हैं। ब्रायोफाइलम एंड साल्विनियस का एग्जाम्पल है। लीफ रूट्स में बन जाए तो रूट एमर्ज फ्रॉम द वन आउट ऑफ दीज थ्री लीव्स रेनिकुलस एंड लिस्मा प्लांटोगोआ। और हेट्रोफिली में मोर देन वन टाइप ऑफ लीफ ऑन द सेम प्लांट। एक ही प्लांट के ऊपर एक से ज़्यादा टाइप की लीफ मिले। कॉसोरेनी आकर ऑन राइजोम कॉर्न ऑन फाइलोक्लेड एंड क्लेडोड। लीफ स्केल सिसाइल थिन एंड मेम्ब्रेनस। फंक्शन ऑफ लीफ की बात करें लीफ इन द प्लांट परफॉर्म सेवरल फंक्शन हैज गिवन बिलो। लीफ कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एंड पोजेस स्टोमेटा फॉर द गैशेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। दीज लीफ प्रोटेक्ट टर्मिनल एंड एक्सिलरी बर्ड। वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट इन द वेन एंड पेटियोल कैरी आउट द फंक्शन ऑफ द कंडक्शन। तो यहाँ वेस्कुलर बंडल मिलते हैं वेन्स के अंदर और पेटियोल क्या कर रहा है, कैरी आउट द फंक्शन ऑफ कंडक्शन। तो पेटियोल कंडक्शन का फंक्शन कर रहा है। मॉडिफाइड लीफ स्ट्रक्चर्स परफॉर्म वेरियस फंक्शन लाइक स्टोरेज सपोर्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि ब्रायोफाइलम में। तो इस तरीके से रूट भी स्टोरेज का सपोर्ट का और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का काम करती है। अब बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिज़ाइनिंग है फ्लावर की, किस तरीके से फ्लावर डिज़ाइन होता है। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। द एक्सिस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड द पेडंकल। और इन्फ्लोरेसेंस के एक्सिस को कहते हैं पेडंकल। दीज आर बेसिकली फोर मेन टाइप, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, उसके बाद काइमोस या डिटर्मिनेट या डेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस, उसके बाद मिक्सड इन्फ्लोरेसेंस और स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो ये चार प्रकार के पास हमारे पास इन्फ्लोरेसेंस मिलते हैं। तो पहला डिस्कस करते हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। पहला आ गया रेसिमोस, दूसरा आ गया साइमोस, तीसरा आ गया मिक्सड और चौथा आया स्पेशल। तो जो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है इट इज़ वन ऑफ इन विच द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो एंड द फ्लावर आर बॉर्न लेटरली इन एन एक्रोपिटल सेक्शन। द ओल्डर फ्लावर आर फाउंड टुवर्ड द बेस एंड द यंगर वंस, नए नए फूल आएंगे वो अपेक्स पे आते जाएंगे। और एक होता है सेंट्रिपिटल, ओल्डर टुवर्ड द पेरीफेरी एंड यंगर टुवर्ड द सेंटर। तो जो पुराने वाले फूल हैं वो बाहर की तरफ होंगे और जो नए हैं वो सेंटर की तरफ, जैसे कि रेडिश और डेल्फिनियम के अंदर। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इन टू रेसिमेस, मस्टर्ड, पेनिकल, गुलमर्ड में गुलमोहर, कॉरिम में कैंडी ट्रफ्ट, स्पाइक बॉटल ब्रश, स्पाइकलेट वीट, कैटकिन मलबरी, स्पेडिक्स पाम, अम्बल कोरिएंडर में कैपिटुलम सनफ्लावर और कैपिटेट एकेशिया के अंदर। तो ये क्लासीफाई किया है रेसिमो सिस्टम को। नेक्स्ट है साइमोज और डिटर्मिनेट और डेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस। इट इंक्लूड द यूनिपेरस और मोनोकेजल काइम एंड बाईपेरस और डाईकेजल काइम। साइम या काइम, साइमोज कह सकते हो साइम। इन यूनिपेरस और मोनोकेजल साइम काइम द मेन एक्सिस एंड इन टू अ फ्लावर एंड प्रोड्यूस ओनली वन लेटरल ब्रांचेज एट ए टाइम एंडिंग इन टू फ्लावर। जैसे एक फ्लावर खिल गया तो उसकी साइड से एक लेटरल ब्रांच निकल जाती है।
इट कैन बी आइदर स्कॉर्पियोड मोनोकेजियल, एग्जाम्पल रेनुनकुलस टिकोमा और हेलिकॉइड मोनोकेजियल और ड्रोसोसेरा बिगोनिया एग्जाम्पल है इसके. इन बाइपेरस और डाइकेजियल काइम द टू फ्लावर्स अराइज फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड अगेन सेंट्रल फ्लावर इज मोस्ट मैच्योर विद टू लिटिल शूट्स, एग्जाम्पल है जोरा एंड मुसेंडा. पॉलीकेजियल डायंथस एंड काइमोज हीट आर ऑल्सो टाइप ऑफ द साइमोस इन्फ्लोरिसेंस. रेसिमोस एंड काइमोज इन्फ्लोरिसेंस डिफर इन सेवरल कैरेक्टर्स, दीज डिफरेंसेस आर गिवन बिलो. डिफरेंस बिटवीन द रेसिमोस और काइमोज इन्फ्लोरिसेंस. पेडेंकल की बात करें, डज नॉट एंड इन द सिंगल फ्लावर, इंस्टेड ग्रो कंटिन्यूसली. यहाँ पर क्या होता है, इट एंड अप इन टू ए सिंगल फ्लावर. नंबर ऑफ फ्लावर इनडेफिनेट और इनडिटर्मिनेट नंबर ऑफ फ्लावर्स आर फॉर्म्ड. आर डेफिनेट नंबर और डिटर्मिनेट नंबर ऑफ द फ्लावर आर फॉर्म्ड. पोजिशन ऑफ द फ्लावर इन पेडेंकल फ्लावर आर रेज लेटरली इन ऑल साइड ऑन द पेडेंकल. फ्लावर एक्चुअली अराइज टर्मली इन वन साइड ओनली. ब्रैकेट द ब्रैक्टिएट फ्लावर आर बॉर्न इन द एक्सियल ऑफ द ब्रैकेट. इन यूनिपेरस काइम द ब्रैकेट व्हेन एग्जिस्ट आर फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑपोजिट द ओरिजिन ऑफ फ्लावर्स. अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, द फ्लावर आर अरेंज इन ए एक्रोपिटल मैनर. द फ्लावर आर अरेंज इन ए बाई बेसिपिटल मैनर. ग्रुपिंग ऑफ फ्लावर्स, इट इज ऑफ लेस कॉमन अकरेंस, इट इज ऑफ मोर कॉमन अकरेंस. फ्लावरिंग पीरियड, फ्लावर ओपन एट शॉर्ट इंटरवल, फ्लावर ओपन एट लॉन्ग इंटरवल एंड टोटल फ्लावरिंग पीरियड इज मच लार्जर. पॉलिनेशन, अ सिंगल विजिट बाय अ पॉलिनेटर कैन पॉलिनेट अ लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर्स. अ पॉलिनेटर कैन नॉट पॉलिनेट मैनी फ्लावर इन वन विजिट. थ्रू फ्लावर आर ग्रुप्ड मोर फ्रीक्वेंटली. फ्लावर्स अरेंजमेंट ग्रुप इन अ फ्लोरल ग्रुप. फ्लावर आर अरेंज इन ए सेंट्रिपिटल मैनर, दैट इज यंगर फ्लावर ऑक्युपाई द सेंट्रल पोजिशन वाइल द ओल्डर फ्लावर टुवर्ड द पेरिफेरी. इन ए ग्रुप ऑफ फ्लावर द फ्लावर्स आर अरेंज इन ए सेंट्रीफ्यूगल मैनर विच इज अपोजिट सिचुएशन टू सेंट्रीपिटल. फ्रूट प्रोडक्शन बाय फ्लावर, न्यूली फॉर्म्ड फ्रूट्स आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय द फ्लावर बिकॉज दीज फ्रूट्स आर फॉर्म्ड टुवर्ड द पेरिफेरी ऑफ द ग्रुपिंग फ्लावर्स. न्यूली फॉर्म्ड फ्रूट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द न्यू फ्लावर्स बिकॉज फ्रूट फॉर्म्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द ग्रुपिंग ऑफ फ्लावर्स. थर्ड कंडीशन, मिक्सड इन्फ्लोरिसेंस. इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ द साइमोस एंड रेसिमोस करेक्टर्स, एग्जाम्पल साइमोस, अम्बर और थायरसिस. ये कॉम्बिनेशन है साइमोस और रेसिमोस का. स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरिसेंस, फॉलोइंग टाइप, कैंथियम इन्फ्लोरिसेंस, हाइपोथोडियम इन्फ्लोरिसेंस और वर्टिसेलेस्टर इन्फ्लोरिसेंस. तो कैंथियम इन्फ्लोरिसेंस का इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर ऑफ द यूफोरबिया इन विच सिंगल फीमेल फ्लावर प्रेजेंट इन द सेंटर इज सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ मेल फ्लावर इनसाइड अ कप शेप्ड इन्वोल्कर विच इज कंसिस्ट ऑफ ए वर्ल ऑफ ब्रैकेट्स. तो इसे कहते हैं साइंथियम इन्फ्लोरिसेंस. और हाइपोथोडियम इन्फ्लोरिसेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर. यहाँ क्या हो रहा है, फीमेल फ्लावर सेंटर में होता है. कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फैमिली मोरेसेई, फिग पीपल एक्सेट्रा, विच द कप शेप्ड कैविटी विच आर एपिकल ओपनिंग और ऑस्टियोल इज फॉर्म्ड बाय द फ्लैशी रिसेप्टिकल guarded by inwardly projecting hair and bare flower of the inner wall of the cavity. The female flower are present at the base and male flower at the opening. Verticillator inflorescence is the characteristic feature of tulsi, osmium, which belong to family Lamiaceae or Labiatae. Her flower are arranged in a two opposite cymose group on each node. तो इस तरीके से हमने आज रूट, स्टेम, लीफ और इन्फ्लोरिसेंस के बारे में देखा, जिसमें हमने सबसे पहले रूट को डिस्कस किया. रूट के में टाइप की बात की, कितने टाइप की होती है, उसके फंक्शंस देखे. देन स्टेम की बात की, स्टेम की मॉडिफिकेशंस की बात की, स्टेम में क्या क्या मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं. फिर उसके फंक्शन की बात की. फिर लीफ की बात की. लीफ के अंदर हमने वेरिएशन को देखा. दो टाइप की वेरिएशन थी, रेटिकुलेट वेरिएशन और पैरेलल. फिर टाइप ऑफ लीफ की बात की, जिसमें सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ थी. फाइलोटैक्सी की बात की कि अरेंजमेंट कैसा होता है फ्लावर का, सॉरी लीफ का. अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ल्ड, तीन टाइप थे हमारे पास. फिर लीफ के अंदर मॉडिफिकेशन देखी, टेंड्रिल, स्पाइन, सकुलेंट. इंसेक्ट कैचिंग लीफ होती है ना. उसके बाद हमने लीफ के फंक्शन देखे. इन्फ्लोरिसेंस की बात की, तो इन्फ्लोरिसेंस में हमने रेसिमोस इन्फ्लोरिसेंस, मिक्सड इन्फ्लोरिसेंस और स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरिसेंस को देखा. तो ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान से धीरे धीरे नोट डाउन करते रहे अपने अपने साथ, और बहुत ईजी है, सिंपल है. तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.